तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस मूर्ति को देखने के लिए। इसे देखने के लिए? अरे ये तो मैं हर रोज अपने रूम से देखता रहता हूँ। क्लाइमेट कितना अच्छा है, मैं कुछ और सोच कर आया था। ये क्या, एक फाइन आर्ट स्टूडेंट होने के बावजूद तुम्हें ये पता नहीं? कभी भी स्कल्पचर को सिर्फ नाइट में ही देखना चाहिए, तभी उसके कर्व्स अच्छे से दिखते हैं। इस तरह उड़ कर रहेगा तो कैसे? ए ये तो तुम्हें फोन पर बताना चाहिए था, एटलीस्ट मुझे किस तो मिल जाती। लेकिन एक बात है, मैंने इस मूर्ति को पहले कहीं देखा है ऐसा लग रहा है। अच्छा, कहां पर देखा है? पता नहीं, लेकिन मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। अंदर जाओ, बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो तुम लोग? लाइट ऑफ करके सो जाओ। सर मेरे रूम का फैन नहीं चालू हो रहा है, एक दिन एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? हेलो मदन। हाँ बोल। वार्डन राउंड्स पर आया हुआ है, तू जल्दी से आ जा। वार्डन राउंड्स के लिए आ गया है, अगर मैं उसके हाथ लगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं निकलता हूँ, तुम भी जाओ अपने घर। ठीक है, संभल कर जाना। बताओ मदन कहाँ है? पता नहीं सर। अंदर सिग्नल नहीं मिला सर, गांव में पिताजी की तबीयत खराब है। ए, तू बाहर जा। सर पहले प्रिंसिपल से मिलकर आ, उसके बाद एंट्री मिलेगी। सर मैं सुबह जाके मिलता हूँ ना सर। ठीक है, फिर प्रिंसिपल से मिलने के बाद ही इधर आना। ए, ये आज हॉस्टल के अंदर ना आने पाए, अगर आया तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए सर। हाँ बोलो। हे मदन, यहाँ पर एक आदमी देखा मैंने। कौन है? पता नहीं, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। पेड़ के ऊपर? हाँ। कोई तो पागल होगा, तुम डरो मत। Yeah.